दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा जो है वो ख़वातीन के लिए है, ऐसी तमाम तर ख़वातीन जिनको लिकोरिया है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें लिकोरिया का पता ही नहीं होता कि लिकोरिया असल में चीज़ क्या है, लिकोरिया कहते किसे हैं। लिकोरिया एक ख़ास रुतूबत जो शर्मगाह के रास्ते खारिज होती है उसको लिकोरिया कहते हैं। कभी ये सफ़ेद रंग की होती है, कभी ये पीले रंग की होती है। ये एक लेसदार मादा होता है जो शर्मगाह से खारिज होता है, जिसके खारिज होने की वजह से ख्वातीन के अंदर खासी कमज़ोरी पाई जाती है। इसके नुकसानात क्या है? लिकोरिया से सबसे पहले चेहरे की जो रंगो रौनक होती है, चेहरे की जो हुसन होता है, औरत का हुसन जो है वो ज़ायल होना शुरू हो जाता है। आँखों पे गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, चेहरा बेरौनक हो जाता है, छातियाँ लटकने लग जाती हैं, कमर में दर्द रहना, तबीयत का चिड़चिड़ापन रहना, ये लिकोरिया की इलामत है। लिकोरिया का बरवक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो लिकोरिया औरत को अंदर से खोखला कर देता है। आज जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा लिकोरिया के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा है। इसको ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 15 दिन का इसका इस्तेमाल है। 15 दिन के इसके इस्तेमाल से लिकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाता है। कितना भी पुराना लिकोरिया क्यों ना हो, ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला नुस्खा है। इस नुस्खे में हमने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो तमाम चीज़ें जो हैं खालिस हैं, कुदरती जड़ी बूटियां हैं, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस जो आपको नुकसान दे। तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको नुकसान दे। इस नुस्खे में जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो तमाम तर चीज़ें आप नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे खुश्क सुपारी। खुश्क सुपारी हमें चाहिए होगी अंजबार की जड़ का, हमने इसमें इस्तेमाल करना है। सक अनार यानी कि अनार के छिलका का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। माई हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, माजू का हमने इसमें इस्तेमाल करना है और छोटी इलायची का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। आपने ये तमाम चीज़ें पंसारी से ले लेनी है। तमाम चीज़ों को बराबर वज़न लेना है आपने, ठीक है। तमाम चीज़ें बराबर वज़न हो, घर लाके आप इसे दोरी डंडे में या हवन दस्ते में, घर लाके आप इसे दोरी डंडे या हवन दस्ते में डाल के अलहदा अलहदा बिल्कुल बारीक सफूफ बना लें। बिल्कुल सुरमे की तरह आप इसका पाउडर बनाएं। पाउडर बना के इसको मिक्स कर लेना है आपने। उसके बाद इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रोज़ाना सुबह के टाइम निहार मुँह आपने सेब लेना है, ठीक है। आधा चम्मच चाय वाला इस दवाई का लेकर आपने सेब की कतलों के ऊपर छिड़क के इसको खाना है, और इसको खाने के आधे से एक घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। नाश्ते में सबसे पहले आपने दही का इस्तेमाल करना है। इसको 15 दिन सिर्फ इस तरह से इस्तेमाल कर लें। 15 दिन में ये लिकोरिया का जड़ से खात्मा कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा फिट रखता है। लिकोरिया का जड़ से खात्मा करने के लिए बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।